गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस सा ब्राउनी आइसक्रीम केक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोगों ने 3 अदद अंडे जो से हैं क्रैक करके अपने बोल में डाल देने हैं। मेक श्योर कि आप लोग अलग अलग बोल में करके पहले इन्हें चेक कर लें, या फिर पानी में डाल के भी आप लोग इसे चेक कर सकते हैं कि अंडे आपके बिल्कुल ठीक हों। दूसरी बात, आपने इनको डालने से पहले 10 मिनट्स के लिए वार्म वाटर के अंदर इनको थोड़ी देर के लिए रख देना है, ताकि थोड़े से इनका टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। फिर हम इनको हल्की स्पीड के ऊपर बीट करना स्टार्ट करेंगे, जब तक इनके अंदर थोड़ी सी फोम आना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि ये ब्राउनी केक है तो हम लोग नॉर्मल जितना सॉल्ट डालते हैं दैट इज़ 1/4 teaspoon, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने कह लें आप लोग 3-4 pinch डाल दिए हम लोगों ने, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसको अच्छे से थोड़ा सा बीट करना है अंटिल कि ये इस तरह फ्लफ़ी होना शुरू हो जाए। फिर हम लोग इसके अंदर अपनी पाउडर्ड शुगर जो सी है 2-2 tablespoon करके डालते जाएंगे और इसे बीट अप करते जाएंगे अंटिल कि ये बहुत ही क्रीमी और फोमी सा मिक्सचर बन जाए। सो यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ था मेरे फ़ोन के कैमरे को कि यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो सका था बीच का पार्ट। सो यहाँ पे मैं सारी की सारी शुगर ऐड कर चुकी और साथ ही में मैंने 1 tablespoon ऑफ वार्म वाटर के अंदर 1/2 teaspoon ऑफ कॉफ़ी जो सी ऐड करके इसके अंदर वो भी डाल दिया। अब मैंने इसको अच्छे से बीट किया, आप लोग कह सकते हैं 7-8 minutes हमने इसको बीट किया। अब हम यहाँ पे इसके अंदर डालने लगे हैं डार्क ब्राउन शुगर। ये ऑप्शनल है, मैं यहाँ पर 3 types की शुगर यूज़ की है। मैंने डार्क ब्राउन यूज़ की है, नॉर्मल ब्राउन शुगर यूज़ की है जिसे हम लोग शक्कर बोलते हैं, और मैंने नॉर्मल वाइट शुगर भी यूज़ की है। सारी की सारी क्वांटिटी स्क्रीन पे मेंशन होंगी, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होंगी। लेकिन आप लोग टोटली डार्क ब्राउन एंड ब्राउन शुगर को स्विच कर सकते हो नॉर्मल शुगर के साथ, दैट इज़ वाइट शुगर, सो दैट्स ऑप्शनल। यहाँ पे हम लोगों का बैटर अच्छे से बीट अप हो चुका है, क्रीमी और फ्लफ़ी है, तो हम लोगों ने मिक्सिंग स्टॉप कर दी है। अब हम लोगों ने यहाँ पर ले लेना है ऑयल या मेल्टेड बटर या फिर मेल्टेड घी, आप कुछ भी ले सकते हो। साथ ही में हम लोगों ने इसके अंदर डाल देना है कोको पाउडर। यहाँ पे मैंने डच प्रोसेस और नॉर्मल वाला कोको पाउडर, क्योंकि थोड़ा सा पिछला बचा हुआ था इसलिए मैंने दोनों डाल दिए। ऑब्वियसली आप लोग कोई भी एक डाल सकते हो। तो हम लोगों ने इसको ऑयल के साथ अच्छे से मिक्सअप करना है अंटिल के इसका जो सा मिक्सचर है बिल्कुल लिक्विड स्मूथ हो जाए। और फिर अब हम इस लिक्विड चॉकलेट मिक्सचर को, कोको पाउडर वाले मिक्सचर को, अपने एग मिक्सचर के अंदर डालेंगे, जस्ट लाइक वी मेक ब्राउनीज। सो अब हम लोग ये वाला मिक्सचर इसके अंदर डालते जाएंगे और साथ साथ इसको बीट अप करते जाएंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप हो जाए। गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल, काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस, एंड आई पोस्ट न्यू वीडियोस एवरी वीक, थैंक यू। सो यहाँ पे हम लोगों ने अपना सारा का सारा कोको पाउडर वाला मिक्सचर ऐड कर दिया। अब हम इसको दोबारा से 1-2 minutes के लिए जस्ट बीट अप करेंगे, ताकि ये अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए, इवन स्मूथ मिक्सचर हो जाए। यहाँ पे हमारा मिक्सचर हो चुका है रेडी। बीटर को हमने बंद करके साइड पर कर दिया और उसकी जगह पर हम लोगों ने यहाँ पर अपना स्पैचुला यूज़ करेंगे। साथ ही में हम लोगों ने अब ऐड कर देना है अपना फ्लावर। फ्लावर ऐड करने के साथ ही हम लोग इसको अच्छे से मिक्सअप करते जाएंगे, बिल्कुल इस तरह के इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी गुठलियाँ ना रहे हैं, और ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी है, जस्ट अंटिल के कम्प्लीटली इनकॉर्पोरेट हो जाए। गाइस, अगर आपको और केक की रेसिपीज़ या बेसिक केक स्पंज की रेसिपीज़ चाहिए तो आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत सारी केक की और अदर स्वीट्स की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। यू कैन ट्राई देम एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोगों को कैसी लगी। तो हम लोगों का यहाँ पे मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है, स्मूथ हो चुका है। अब हम लोग इसको पोर करेंगे अपनी बेकिंग ट्रे के ऊपर और इसको हम लोग बेक कर लेंगे ओवन में या फिर पतीले में, दोनों तरीके से अच्छा रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे मैंने इस ट्रे को अच्छे से ग्रीस करने के बाद बटर पेपर लगा दिया है और उसके ऊपर हम अपना सारा का सारा बैटर पोर इन कर देंगे।
अगर आप लोग इसे अवन में बेक कर रहे हो तो हम लोगों ने इसको 20 टू 25 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे बेक करना है, और अगर आप इसे पतीले में बेक कर रहे हो तो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे आप लोग 30 टू 35 मिनट्स के लिए बेक करोगे। यहाँ पे हमने इसको एक दफ़ा टैप कर लिया, देखें कैसे एयर बबल्स जो से हैं वो टॉप पे आकर पॉप आउट हो चुके हैं। सो लेट्स बेक इट नाउ। जी तो हम लोगों की जो सी ब्राउनी बेस है वो हम लोगों की केक की जो ब्राउनी बेस है वो हम लोगों की तैयार होकर आ चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर से इसका बेकिंग पेपर रिमूव करेंगे और इसको टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर तो इसके ऊपर हम लोग अपनी आइसिंग और सिरप वगैरह लगाएंगे। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ब्राउनी जो सी है सॉरी केक जो सा है नीचे से थोड़ा सा बर्न हो गया था बिकॉज ऑफ माई ओवन टेम्परेचर। सो मैंने इसको छुरी की मदद से रब आउट कर दिया था। आप लोग भी अगर कभी केक वगैरह नीचे से थोड़ा बहुत जल जाए तो आप लोग उसको नाइफ की मदद से स्क्रेप आउट कर सकते हो। अब हमने इसको दरमियान से दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं और अब केक की शेप के लिए मैंने इसके दो स्क्वेयर्स निकाल लिए हैं जिसके ऊपर मैं शुगर सिरप लगा रही हूँ। शुगर सिरप आप लोग सिंपली बना सकते हो 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर एंड 4 टेबलस्पून ऑफ वाटर जिनसे वार्म वाटर के अंदर। अब हम लोग अपनी जो हम लोगों के पास आइसक्रीम पड़ी हुई थी चॉकलेट आइसक्रीम उसकी हम लोग इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करेंगे। दिस इज़ ऑप्शनल बाय द वे कि आप लोग यहाँ पे अपनी मर्जी की फ्रॉस्टिंग लगा सकते हो, लेकिन बिकॉज इट्स ब्राउनी आइसक्रीम केक सो आप लोगों ने यहाँ पर चॉकलेट आइसक्रीम अपनी मर्जी की किसी भी ब्रांड की लगा सकते हो। ऊपर भी मैं उसी तरह आइसक्रीम की लेयर को स्प्रेड आउट करती जाऊंगी स्पैचुला के साथ और नीट आउट करती जाऊंगी। और एंड के ऊपर आप इसको दरमियान में फ्रीज़र में भी रख सकते हो सेट होने के लिए बिकॉज साथ साथ मेल्ट हो रही होती है। और एंड पे हम लोगों ने क्या करना है स्पैचुला को वार्म वाटर के अंदर डिप कर करके इसके ऊपर से प्लेन कर देना है। आप चाहो तो इसे प्लेन रख दो, नहीं तो स्क्रेपर्स यूज़ कर कोई भी डिज़ाइन भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने पास जो लेफ़्ट ओवर ब्राउनी थी मैंने उसको क्रम्बल कर दिया बहुत अच्छे से और अब वही वाला क्रम्बल हम इसके साइड पे कोट करते जाएंगे। सारा का सारा क्रम्बल साइड्स पर और ऊपर डिज़ाइन करने के बाद यहाँ ये आप लोगों के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे डेकोरेट करना चाहते हो। तो मैंने साइड्स पर और ऊपर की बॉर्डर पर उसके ब्राउनी सारी लगा दी है ब्राउनी का क्रम्बल और अब हम लोगों ने इसको नीट प्लेट के अंदर शिफ्ट कर लिया स्पैचुला की मदद से। सो लेट्स नाउ कट इट आउट। गाइज डू ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी। इसे अब हम लोग कट करके चेक करते हैं कि ये कैसा है। बहुत ही ईजीली कट हो चुका है और बहुत ही डिलीशियस था। डू ट्राई इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों से मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।